कपड़ों की प्रदर्शनी अंदर लगी हुई है, तो भाई चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। मैं राजन राउत फ्रॉम पौड़िया, स्वागत देवभूमि उत्तराखंड में। तो आज शाम के 5 बजे मैं आया हूँ श्रीनगर पर। तो यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, भव्य मेला लगता है यहाँ पर। तो बैकुंठ चतुर्दशी का मेले के बारे में आपको जरूरी बताना चाहता हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला श्रीनगर में लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कमलेश्वर मंदिर में यहाँ पर सबसे पहले पूजा की जाती है उन व्यक्तियों की जो निसंतान होती हैं। तो वो लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ पर पूजा करती है, रात पर खड़े दिए लेकर शिव जी की आराधना करते हैं। तो उस दिन से यहाँ पर मेला लगता है। तो पहले ये ITI ग्राउंड में, GTI ग्राउंड में लगता था, तो अभी ये ITI यहाँ पर ITI ग्राउंड है, यहाँ पर लग रहा है। तो दिखाता हूँ किस तरह का मेला है। तो ये ग्राउंड है जहाँ पर नीचे, तो मैं बताता हूँ कहाँ पर मेला लग रहा है। मेला 7 दिन तक यहाँ पर लगा जाता है। बाहर से बहुत कुआ यहाँ पर लगा रखा है, देखते हैं। दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह यहाँ पर मेला लगा हुआ है। काफी भीड़ यहाँ पर है, आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ रखी हैं, तो काफी बड़ा मेला लग रखा है। दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
क्या मेला देखे यहाँ पर काफ़ी भीड़ है यहाँ पर तो ले रहे यहाँ पर जो उनको आवश्यकता वाली चीज़ें हैं जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यहाँ पर मेरे बहुत चीज़ें यहाँ पर हैं खासकर यहाँ पर चरखी वगैरह यहाँ पर लग रखे हैं तो रात का सीन दिखाता हूँ आपको मिलेगा दोस्तों। जो ये बैकंठ चतुर्दशी का मेला लगता है ये पौड़ी से तकरीबन 31 किलोमीटर श्रीनगर गढ़वाल में लगता है और चतुर्दशी के दिन यहाँ पर श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव का बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर भोले शिवशंकर जी ने यहाँ पर काफ़ी तपस्या की थी तो यहाँ पर चतुर्दशी के दिन यहाँ पर पूजा होती है तो जो तप्तियाँ जो निसंतान होती हैं वो यहाँ पर रात भर खड़े दीप लेकर भगवान कमलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं तप करते हैं और ये तप उनका स्वीकार भी हो जाता है और उसके बाद उनकी संतान हो जाती है ये कहा गया है और ये हर साल यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मेला लगता है तो उसी उपरांत भी मेला लगता है तो 7 दिन का मेला लगता है तो पहले GTI ग्राउंड पे लगता था तो अभी वहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है उन पर रेलवे का जो यहाँ पर एक बेस है वहाँ पर वो काम चल रहा है तो अभी GTI ग्राउंड में जस्ट उसी के लेफ्ट में ऊपर में ये बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर हो रहा है यहाँ पर तो ये 7 दिन का मेला लगता है काफ़ी दोस्तों तो कभी तो आज उस मेले को देखने के लिए मैं भी श्रीनगर से यहाँ पर 5 बजे यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें मिल जाती हैं आपको मतलब जो गांव से लोग दूर दूर से आते हैं तो काफ़ी चीज़ें जाते हैं जैसे अभी सर्दियों के टाइम पर आपको कंबल कपड़े गर्म कपड़े काफ़ी मिल जाते हैं मतलब सही रेट में मिल जाते हैं भला टिकाऊ हो ना हो लेकिन मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा मेला है तो और ख़ासकर यहाँ पर जो मेला लगता है वो यहाँ पर जैसे चरखियाँ लगती हैं बच्चों के लिए घूमने के लिए मौत का कुआं लगता है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं तो 7 दिन का मेला लगता है तो हमें तो कुछ लेना था इसलिए मैं आया था तो वो चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं मिली वहाँ पर तो कल मैं चले जाऊँगा फिर पौड़ी क्योंकि मुझे घर जाना ज़रूरी है कि वहाँ पर अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ बाकी दोस्तों मेला बहुत अच्छा है तो आप भी आए तो इस बार नहीं आ पाए तो अगली बार ज़रूर आए और कमलेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करें कमलेश्वर महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में यह फ्रेंडिंग करता हूँ मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड नमस्ते दोस्तों।